तो ये मैं आ गया हूँ अपने डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे बोर्न्यूस्मैटिक का जो फोल्डर है इसमें ये इसका सेटअप है। इसको मैं रन करूँगा अभी। देखिए ये हाँ अपने लॉगिन स्क्रीन पे आएगा। यहाँ पे अपना यूज़र नेम डालेंगे, यहाँ पे अपना पासवर्ड और लॉगिन कर देंगे। कुछ सेकंड्स का ये टाइम लेता है और इसके बाद ये लोड हो जाएगा। ये इसका इंटरफेस आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। हमें ध्यान देना है इस साइट पे। देखिए सबसे पहले लिखा है हार्डवेयर सॉल्यूशंस और बिट मैप्स, उसके बाद लिखा है स्मैटिक डायग्राम। ये लैपटॉप पीसी मॉनिटर ये अपने सिस्टम में नहीं है। तो देखिए इसमें हार्डवेयर सॉल्यूशन में आपको काफ़ी सारे कंपनीज मिल जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो फ़ोन बनाती हैं। 14 कंपनियों के यहाँ पे मॉडल्स हैं। उसमें आप जैसे रेडमी के हैं, ओप्पो के हैं, वीवो के हैं। इस तरह से मान लीजिए हम MI का 6 मॉडल है उसे खोलते हैं। मान लीजिए इसकी टच स्क्रीन काम नहीं कर रही। यहाँ पे बहुत से ऑप्शंस हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो आप इनमें डायरेक्ट देख सकते हैं बिना ट्रेसिंग की। और ये देखिए टच स्क्रीन का ऑप्शन मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से लोडिंग होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, जिसमें आपको रेडमी 6 का मदरबोर्ड दिखेगा। और ये देखिए इसके डिस्प्ले कनेक्टर पे आप देख पा रहे हैं जो टच की 6 पिन्स हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन बताई हुई है कि वो कहाँ पे जा रही हैं, कौन से ट्रैक से होते हुए जा रही हैं। ये देखिए पावर आईसी में जा रही है। और ये जो नाम लिखे हुए हैं TES इनिशियलाइजेशन और 5 वोल्ट इन LDO से आ रही है जो, और ये सीरियल डाटा सीरियल, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊँगा। देखिए रेड वाली जो लाइंस हैं वो दिखा रही हैं कि इसको पावर की जो लाइंस हैं वो कहाँ से आ रही हैं। और ये जो बाकी लाइंस हैं ये देखिए डायरेक्ट जा रही हैं आपके CPU में, और जिस भी कंपोनेंट से होते हुए जा रही हैं इसमें आपको बताया होगा। तो आप समझ गए होंगे, जैसे ये रेड वाली लाइन ये आपके पावर IC से आ रही है और इन रेजिस्टेंस से होते हुए देखिए अपने बोर्ड पे। इस तरह से आप आराम से इसमें ट्रेसिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये आपका हार्डवेयर सॉल्यूशन का जो सिस्टम था वो मैंने बताया। अब इसमें और भी हैं हम देखते हैं, तो वापस चलते हैं उसी डिस्प्ले पे। इसमें देखिए मान लीजिए टच स्क्रीन का हमने LCD पे हम देखते हैं, मगर LCD काम नहीं कर रही, तो मान लीजिए ब्लैक आ रही है कुछ भी, तो फिर वही बोर्ड आएगा अपने सामने आगे पीछे से दोनों साइड से। और देखिए डिस्प्ले कनेक्टर पे जितने भी पिन्स हैं LCD के रिलेटेड वो सारी यहाँ पे अलग अलग कलर्स में आपको शो की हुई है। आप उसको आराम से ट्रेस करते हैं, जिस भी लाइन पे वैल्यू नहीं आ रही उस लाइन को हम ट्रेस करेंगे इसके थ्रू। इससे थोड़ा ईजी हो जाएगा अपने लिए हर काम करना। स्मैटिक में भी ऐसा ही होता है, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये सबसे ईजी है, ये सडन सॉल्यूशन है। आपने देखा, टेस्ट किया, बूम आपका रेडी। आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे हमने को फॉल्ट ढूंढना है, और इन सभी चीज़ों के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। इसके बाद देखिए ये इतने सारे मॉडल्स हैं, इसमें बहुत सारे कोई भी कंपनी का आप खोल लीजिए, जैसे नोकिया, ओप्पो, सैमसंग के इसमें बहुत ज़्यादा हैं, और Xiaomi, आईफोन। इसमें हर मॉडल नहीं कह सकता मैं, लेकिन ऑलमोस्ट मॉडल मिल जाएंगे। तो चलिए हम सेकंड जो अपना था पार्ट उसकी तरफ बढ़ते हैं, जो है अपना बिट मैप्स। हम बिट मैप खोलते हैं किसी भी का, Xiaomi का नहीं, चलिए कोई भी ओप्पो का खोल के देखते हैं। इसमें मैं ओप्पो का बिट मैप खोल रहा हूँ, A57 मॉडल का। ये बिट मैप पे मैंने क्लिक किया और ये लोडिंग हो जाएगा आपके सामने। इस तरह का डिस्प्ले इंटरफेस आएगा। इस पे आपका कोई प्रिंट मिस हो गया है या फिर कहीं पे आपको सप्लाई नहीं मिल रही, मान लीजिए बोर्ड के अंदर से ट्रैक अगर टूट गया है, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट जाएंगे और क्लिक करेंगे। मैं आपको करके बताता हूँ। ये आपकी सिम का सेक्शन है, सिम कार्ड जहाँ पे लगता है, और मान लीजिए ये कनेक्टर है इधर। इस कनेक्टर पे मैं क्लिक करता हूँ इस साइड कहीं भी, तो देखिए इसकी और जो रास्ते हैं बाकी, जहाँ जहाँ इसकी सप्लाई मिलेगी आपको डायरेक्ट वहाँ से जंपर आप कर सकते हैं। देखिए ये सप्लाई यहाँ पे जा रही है, जहीं भी आप क्लिक करोगे येलो पे वो वहाँ से रेड हो जाएगा जहाँ से इसकी दूसरी मान लो सप्लाई कनेक्टेड है।
ये देखिए आप समझ गए होंगे इसका क्या मतलब। मान लीजिए कहीं पे वैल्यू नहीं मिल रही या फिर कहीं पे प्रिंट नहीं आ रहा, वहाँ आपका डैमेज हो गया है, तो आपको पता है कहाँ से जंपर कैसे करना है। इससे आपको बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब, बिट मैप्स इस तरह से आपके सामने काम करते हैं। तो चलिए हम तीसरी जो अपना फोल्डर था, बिट मैप्स में भी इसको आप काफ़ी फोल्डर मिल जाते हैं, और स्मैटिक में देखिए इसमें बहुत सारे मॉडल्स हैं और बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज जो फ़ोन बनाती हैं काफ़ी सारे आपको देखने को मिले, ऑलमोस्ट सभी 25 से प्लस इसमें देखने को मिलेंगे। और हम कोई भी ओपन कर लेते हैं, ये टेक्नो के मॉडल्स हैं, काफ़ी डैमेज होते हैं, बहुत लो क्वालिटी का जैसे मटेरियल यूज़ होता है जिन फ़ोनों में, वो में डैमेज होते हैं तो अपने काम आएगा। देखिए हम कोई भी सैमसंग का फ़ोन ले लेते हैं, इसमें देखिए सीरीज़ बनी हुई है, जैसे ए सीरीज़ के फ़ोन, बी सीरीज़ के और जी सीरीज़ के, इस तरह से इसमें काफ़ी सारे मॉडल्स हैं। जैसे A53 मॉडल है कोई, शायद A53 ही होगा। तो देखिए इसमें क्या सीन है, मैंने आपको स्मैटिक का किस तरह से रीड करना है और कैसे फोल्ड होना है बताया था पिछले वीडियोस में, तो इसमें भी हम ऐसे करेंगे। मान लीजिए हम कोई भी एक कंपोनेंट उठा लेते हैं जिस पे आपको शॉर्टिंग मिली है और फ़ोन डेड है, तो ये ICs वगैरह सब इसमें इस तरह से आप देख सकते हैं। और मान लीजिए ये कैपेसिटर मैं ले लेता हूँ जो मान लीजिए शॉर्ट है, दोनों साइड से बीप दे रहा है, इसको मैं कॉपी कर लूँगा, कंट्रोल प्लस सी दबाऊंगा और ये कॉपी हो जाएगा कोड इसका। दूसरी साइड देखिए, नीचे दूसरी फाइल है स्मैटिक की, इधर लेआउट के नीचे स्मैटिक की फाइल में ओपन करूँगा, 2-3 सेकंड, क्योंकि ये ऑनलाइन चलता है सॉफ्टवेयर, आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर देखिए बॉक्स बना है, यहाँ पे वो कोड जो हमने कॉपी किया था ये वाला, इसको हम वहाँ पे जाके पेस्ट करेंगे यहाँ पे। ये हमने इस कोड को पेस्ट किया, हमने ढूंढा, और सॉरी मैंने थोड़ा जूम कम किया हुआ था, तो थोड़ा और दूसरा जूम करके ट्राई करते हैं इसको, ये नहीं है। तो देखिए मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, ये मैंने ट्राई कर, ये आ गया ना PMIC के ऊपर आपका जो जूम किया हो, थोड़ा और जूम करेंगे, ये देखिए ये कैपेसिटर 5150 यही हमने सर्च किया था। अगर इस ट्रैक में प्रॉब्लम होगी तो इस ट्रैक के सभी कैपेसिटर जैसे मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ लिखा हुआ है PMIC लगिन पावर मैनेजमेंट IC, ये मेन चार्जिंग का IC है, चार्जिंग की जो लाइन जाती है। मान लीजिए इस पर इस ट्रैक पे दिक्कत आई तो ये सभी लगे हुए कैपेसिटर आपको शॉर्ट बताएंगे, और इस ट्रैक के आगे भी जो कैपेसिटर लगे हैं वो भी शॉर्ट बताएंगे दूसरे IC तक। तो इस तरह से आपको मैंने बताया था किस तरह से रीड करना है स्मैटिक। कोई बात नहीं, हम और भी वीडियोस बनाएंगे इस पर। तो आपको मैं बेसिक यही था कि मैं बताना था आपको किस तरह से यह सिस्टम काम करता है। आप इसमें कोई और भी मॉडल ले सकते हैं, जैसे मैं कोई रेडमी का मॉडल ले लेता हूँ, हम 4 ले लेते हैं MI का। तो इसका डायग्राम देखिए, 2-3 सेकंड लेता है ये, खुल जाता है, ये रहा इसका ये डायग्राम्स है, इसमें सारी चीज़ें हैं, और इसका ये लेआउट है, लेआउट आप देख सकते हैं जो फ़ोन की मदरबोर्ड है। ऑलराइट गाइस, तो आप अगर इसे परचेज करना चाहते हैं तो इसकी ओरिजिनल वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आपको इन झंझट में नहीं पड़ना है तो आप डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे या फिर मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मैं आपको होलसेल प्राइस पे इसकी जो प्राइस है वो आपको व्हाट्सएप पे या फिर आपको कॉल पे मैं आपको बता दूँगा। तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, और अगर आप सिंगल पीस उनसे लेना चाहते हैं तो वो भी वहाँ से ले सकते हैं, और कहीं दूसरी साइट्स पे या फिर कहीं फ्रॉड से बचने के लिए आपको कोई कहीं भी क्लिक नहीं करना है बेफालतू का, जैसे कि कोई और कहे यहाँ पे से आप ले सकते हैं, कोई आपको 3500 का देगा, कोई 3700 का देगा, लेकिन इस ज़्यादा इतने प्राइस नहीं है एक्चुअल में। आपको डायरेक्ट मुझे कॉल करना है, आप उनसे पूछ सकते हैं, और आप अगर ख़रीदना चाहें तो मुझसे ख़रीद सकते हैं, अगर नहीं तो आप उनकी ओरिजिनल वेबसाइट पे उनके जो डीलर्स हैं उनसे बात करके ख़रीद सकते हैं। तो मैंने दोनों अपना व्हाट्सएप का लिंक भी दे दिया है और ओरिजिनल वेबसाइट का लिंक भी दे दिया है। तो शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।